अन्ना हजारे ने एसएससी छात्रों को लेकर पीएम को चिट्ठी भी लिखी है। उन्होंने कहा कि सरकार को लिखी चिट्ठी के जवाब के बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। वहीं सांसद पप्पू यादव ने कहा कि शिक्षा माफिया छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अहिंसा के मार्ग से जो यहाँ आंदोलन चला रहे हैं, मैं आप सबके लिए धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि लोकतंत्र को अगर मजबूत करना है, अन्याय अत्याचार के विरोध में अहिंसा के मार्ग से जितना हम कोशिश करेंगे आंदोलन के माध्यम से, उतना लोकतंत्र मजबूत होता है। और वो काम आप लोग कर रहे हैं, एक युवक क्या नहीं कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है समाज के लिए, देश के लिए। तो जब मुझे पता चला तो मैं पंतप्रधान प्रधान जी को पत्र लिखा, जावड़ेकर जी जो मंत्री है उनको भी पत्र लिखा और डिपार्टमेंट को भी लेटर लिखा। ये क्या कारण है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कोचिंग माफिया, बड़ा बड़ा, और नेता और इससे एसएससी से लेके बीपीएससी यूपीएससी सभी के चेयरमैन मिले हुए हैं और इंटायर क्वेश्चन आउट हो जाता है। हिंदुस्तान के 4,82,00,000 बच्चे ऑन रोड हैं। क्या कारण है कि आप बड़े माफियाओं के साथ मिलकर के हिंदुस्तान के युवा और छात्रों की जिंदगी जिंदा लाश बना दिया है आपने?